Hello, good morning to everyone and welcome to my channel Saima Classes for English Grammar. आज हम simple present tense में affirmative में से interrogative कैसे बनाएंगे और negative कैसे बनाएंगे वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने simple present tense के affirmative sentence लिए। देखो इसको हम क्या कहते हैं subject, इसको हम कहते हैं V1। देखो हमें ये हमारे लिए important है, कोई भी टेंस होगा तो उसका वर्ब का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब का फॉर्म हमें इंडिकेट करता है कि मैं कौन से टेंस में हूं। सब्जेक्ट नॉट नेसेसरी, कोई सब्जेक्ट में कोई ऐसा ये सब्जेक्ट होगा तो वो होगा, ये वो सब्जेक्ट होगा तो ये होगा, सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है ना तो ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत है। सिर्फ वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टेंस। सो हियर सब्जेक्ट के बाद कौन आया, वी वन, तो इसका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा अब हमें सब्जेक्ट के बाद जब बी वन आया, अब इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है, क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन में किसकी मदद लेते हैं, डू डज की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा, तो देखो बी वन को एस ई एस लगा नहीं है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी लगेगा एस ई एस आई एस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए डू का उपयोग करेंगे। डू फिर बाद में आएगा सब्जेक्ट, डू के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आई, फिर बाद में आएगा वी वन। अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने वो लिया नहीं है, शॉर्ट पे थोड़ा समझाएंगे। चलो अब यहाँ पे वी डांस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये कौन है वी वन, तो सब्जेक्ट के बाद कौन आया वी वन आया, तो हम इसका क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे डू डज की मदद लेंगे क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे डज आएगा कि डू आएगा, तो यहाँ पे देखो डांस को ना तो एस लगा एस लगा इस लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको डू से बनाएंगे। डू, डू के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है वी, उसके बाद वी वन, डू बी डांस। चलो अब हमें यू लाफ, सब्जेक्ट के बाद वी वन आया, सब्जेक्ट के बाद कौन आया वी वन, तो इसका नाम क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो इसमें एस एस लगा नहीं है तो किसकी मदद लेंगे डू की, डू यू, देखो यहाँ पे यू है आंसर में यू है तो हम यहाँ पे वी बी लिख सकते हैं, डू बी लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट। डू यू, डू बी, अब बी डू आई, डू बी, इस तरह से यहाँ पे भी हम आई की जगह पे यू लिख सकते हैं, आई आएगा तो यू, बी आएगा तो यू लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आया तो हम यू लिख सकते हैं। चलो सी विजिट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे डज, क्यों यहाँ पे मैंने डू यूज नहीं किया क्योंकि जो वी वन तो कौन है, ये वी वन है लेकिन ये जो एस लगा है वो किसका लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पहली कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरी कंडीशन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डज सी, डज सी विजिट। चलो यहाँ पे ही स्टडीज, एक्चुअली वी वन कौन है एस टी यू डी वाई है लेकिन वाई क्या कौन आया कंसोल, तो ये वाई निकल कर आई एस लगा, तो अब यहाँ पे आई एस लगा है यहाँ पे, तो हम किसी बता देंगे डज की, तो डज इसके बाद सब्जेक्ट ही, अब ये जो है इसका वी वन कौन है एस टी यू डी वाई, ये वी वन है। सो इट फ्लाइज अगेन, अगेन कौन है फ्लाई, कौन है फ्लाई एफ एल वाई फ्लाई, राइट, तो वाई के आगे कौन आया था कंसोल, इसीलिए इसको वाई निकल कर क्या होगा आई एस, तो यहां पर लिखेगा डज इट, डज इट, अब वी वन कौन है फ्लाई। चलो यहाँ पे क्या है माई सिस्टर थर्ड पर्सन है, यहाँ पे बॉस है, वी वन कौन है बॉस, ये ई एस लगा है, तो यहाँ पे लिखे डज, डज माई सिस्टर बॉस, डज माई सिस्टर बॉस। चलो आप नेगेटिव, अगेन नेगेटिव में हम टू डज की मदद लेंगे लेकिन पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है आई, आई, इसके बाद टू लेंगे, इसके बाद नॉट, फिर वी वन, तो वी वन कौन है रीड, आई डू नॉट रीड। चलो अगेन सब्जेक्ट कौन है वी, उसके बाद कौन है डू, वी डू नॉट, वी वन, वी डू नॉट डांस, फुल स्टॉप लिखना है। चलो इसका यू डू नॉट लाफ, यू डू नॉट लाफ। चलो यहां पे सी, सी डज नॉट, यहां पे क्यों डू नहीं आया क्योंकि यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहां पे एस लगा है, तो सी डज नॉट विजिट, she does not visit। चलो he does not study, he does not study। चलो it does not fly, it does not fly, f l y। चलो my sister does not wash, my sister does not wash। चलो यहां पे my sister थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं आशा करता हूं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के
अफर्मेटिव में से इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाते बनाने में समझ में आ गया होगा। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदार और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के अंदर, और मेरे लिए दुआ भी करें। अल्लाह हाफिज़।